वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और मजे में होंगे। आज की वीडियो कोई स्टोरी टाइम वीडियो या गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है। आज मैं आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे जरूरी लगती है, क्योंकि मैं आप सभी को अपनी फैमिली मानती हूँ। क्योंकि आज मैं अपने एक भाई को तो खो चुकी हूँ, लेकिन नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ भी हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और इसमें कोई लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं भूलूंगी। बस अगर आपको अगर इसी ने कुछ अच्छा समझाया या बताया तो प्लीज अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर जरूर शेयर करना। सभी सोच रहे होंगे आखिर हुआ क्या है। आप में से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो आदित्य को जानते ही होंगे, जो ज्यादातर मेरे साथ खेला करता था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे। आदित्य मेरी क्लासमेट प्रियंका का छोटा भाई था। साथ स्कूल आना जाना, मस्ती करना, बहुत कम टाइम में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और मैं उसको सच में अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती थी। कल रात की बात है, आदित्य अपने 3 दोस्तों के साथ कार में एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करने कैफे गया था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जब वो वापस घर जा रहे होते हैं, उतने में एक ट्रक और उनका टक्कर हो जाता। गलती दोनों साइड से थी। ट्रक वाला नशे में ड्राइव कर रहा था और आदित्य और उसके फ्रेंड स्पीड में ड्राइव कर रहे थे। टक्कर इतने जोरदार हुई, किसी को सोचने समझने का टाइम नहीं मिला और ऑन द स्पॉट आदित्य की डेथ हो गई और उसके दोस्तों को चोटें आई हैं। और ट्रक वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना उसके गाड़ी डैमेज हुई ना उसको कुछ हुआ। ये सब अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं था, मतलब घर में मम्मी पापा को पता था बट उन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि आदित्य को मैं अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती थी। उनको डर था कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोपहर में जब मैं स्ट्रीमेंट करके व्हाट्सएप पर ऑनलाइन जाती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने आदित्य का फोटो स्टेटस में डाला था और नीचे लिखा था RIP ब्रदर, मे योर सोल रेस्ट इन पीस करके। ये देखकर तुरंत मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, उससे सब पूछती हूँ, मम्मी तब तक मुझे सब बता देती है। मेरी फैमिली और रिलेशन में बहुत लोगों की डेथ हुई, लेकिन मैं इतना कभी नहीं रोई। कसम से यार, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा ये सच है। उस भाई की एज ही कितनी थी, 17 साल। उसी ने जिद करके गेम डाउनलोड कराई थी, फिर धीरे धीरे मुझे FF अच्छा लगने लगा। आप सभी मानोगे नहीं, आज मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ तो सिर्फ आदित्य और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण। और इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो प्लीज आप अभी ड्राइव मत कीजिए। सारी लाइफ पड़ी है सामने, आगे भी खुद एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप को नहीं आपकी फैमिली को भुगतना होगा। और जो भी भाई बहन 18+ है, प्लीज आप लोग स्पीड में ड्राइव मत किया कीजिए, क्योंकि 5 मिनट लेट हो जाओ वो चलेगा, लेकिन आप में से किसी को कुछ हो जाए ना मुझे चलेगा ना आपकी फैमिली को। बहुत से बंदे बोलेंगे इसी अपने मन से सब कहानी बनाती है। गाइस आप सभी मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आपसे ये सब शेयर की हूँ। भाई को तो खो दी, लेकिन और किसी को खोना नहीं चाहती हूँ। और इस एक्सीडेंट की मैं कुछ फोटोज टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी कि आदित्य और उसकी कार की क्या हालत थी। प्लीज आप सभी कमेंट सेक्शन में रेस्ट इन पीस आदित्य लिख दो। प्लीज कोई उल्टा सीधा कमेंट या स्पैम मत कर, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। कुछ टाइम वीडियोस और लाइव नहीं होगी। आप सभी अपना ध्यान रखना, जल्दी ही मिलती हूँ आप सभी से। कहाँ रे तू?